बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 13, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के। आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में आप नोटिस कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस गैस को टेक इन करते हैं? ऑक्सीजन को। और किस गैस को रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होते हैं। या आसान वर्ड्स में यूं समझ लीजिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन? दिस इज द बर्निंग ऑफ फूड टू रिलीज द एनर्जी। और वी कैन से दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज द एनर्जी। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द वन इज एयर पैसेज वेज एंड द अदर वन इज लंग्स। तो चलिए हम सबसे पहले एयर पैसेज वेज में कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। आपके सामने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम, हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द नोज। नोज में आपको दो छोटे छोटे से सुराख नजर आते हैं जिनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल से एयर जो है वो एंटर होती है कैविटी में, उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, नेजल कैविटी। अब एयर जो है वो कहां पर एंटर होगी, थ्रॉट में टर्म यूज की जाती है, फेरिंग्स। वहां से एयर मूव करेगी वॉइस बॉक्स, टर्म इज लेरिंग्स। फिर एयर मूव करती है ट्रेकिया में, विच इज नोन एज द विंड पाइप। ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में जाने के बाद बायफर्केट हो जाता है, दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, जिनके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, ब्रोंकाई, और सिंगुलर होता है ब्रोंकस। ये फर्दर डिवाइड होते हैं तो तब हम टर्म यूज करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। और ऑलमोस्ट 20 डिविजन्स के बाद ये फॉर्मेशन करते हैं ब्रोंक्यूल्स की, जो कि ओपन होते हैं सैक्स में, जिनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, एल्वियोलाई। अब हम टर्न बाय टर्न इनकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। बच्चों, डू यू नो अबाउट वी ब्रीथ अबाउट 16,000 टू 24,000 पर डे। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो एक मिनट में कितनी दफा सांस लेते हैं, 15 to 16 टाइम्स। और ये मैं आपको पर डे की बात बता रही हूँ, 16,000 to 24,000 पर डे। और इतनी दफा ब्रीदिंग करने से कितनी एयर का एक्सचेंज होता है, 11,000 लीटर्स ऑफ एयर एक्सचेंज होती है। अब जब हम अपनी बात को आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो अब जरूरी है कि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के भी दो पोर्शंस के बारे में जान लें। रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम अपर और लोअर दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में शामिल है नोज यानी नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स अप टू वॉइस बॉक्स। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में शामिल है लेरिंग्स में वॉइस बॉक्स के बाद वाला पोर्शन, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। अब जब हम नॉस्ट्रल्स को देखते हैं, ये नॉस्ट्रल्स की बात हो रही है, दीज आर द नॉस्ट्रल्स। तो नॉस्ट्रल्स आर मेड बाय बोन्स एंड कार्टिलेज। इसके अलावा इनमें प्रेजेंट होते हैं हेयर, आपने देखा होगा इन नाक के सुराखों में हेयर होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, मॉइस्चर आप फील करते हैं। काम क्या है इसका, इन हेयर्स का, इस म्यूकस मेम्ब्रेन का, ये हेल्प करते हैं जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ये बाल जो है, हेयर जो है वो हेल्प करते हैं, ये ट्रैप करते हैं लार्ज पार्टिकल्स को। इसके अलावा म्यूकस जो है वो मॉइस्टिंग में हेल्प करते हैं एयर की। और अंदर की तरफ जो है वो टाइनी वेसल्स होती हैं जो कि टेम्परेचर मेंटेन करती हैं या वार्मिंग ऑफ हेयर में हेल्प करती हैं। नॉस्ट्रल के बाद जब हम आगे की तरफ पोर्शन को देखते हैं तो हमें नेजल कैविटी नजर आती है। आप नेजल कैविटी को अभी जब डायग्राम में देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे तीन पैसेज वेज, दिस इज मेंशन्ड हियर। हर कैविटी जो है ये डिवाइड होती है थ्री पैसेज वेज में, इसमें भी सिलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस मेम्ब्रेन है, और आपको इस डायग्राम से नजर आ जाएगा, यू पीपल कैन नोटिस हियर। अगर मैं इसकी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा लार्ज करके दिखाऊं तो दिस इज द एपिथेलियल सेल्स, जिन एपिथेलियल सेल्स पे सीलिया लगे हुए आपको बालों जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। यहीं पर आपने मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल देखे हैं जिसमें कि सीलिया नहीं है, दैट इज द गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस। तो अब आप नोटिस कर लीजिए कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं नेजल कैविटी को तो हर कैविटी जो है वो डिवाइडेड है थ्री पैसेज वेज में,
It contains the ciliated epithelium here, mucous membrane, और ये भी किसमें इन्वॉल्व है, अगेन इट इज इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ट्रैप करेगा डस्ट पार्टिकल्स को, पॉलन को, कोई भी ऐसे पार्टिकल्स जो कि अंदर नहीं जाने चाहिए, हेल्प करता है मॉइस्टनिंग में और हेल्प करता है वार्मिंग ऑफ एयर में। और आपको खुद आइडिया है कि समटाइम्स अगर कभी नेजल ब्लॉकेज हो जाए तो हम अपने माउथ या ओरल कैविटी को भी यूज करते हैं इंडेकोफेयर के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम अपने ओरल कैविटी को यूज करते हैं, ओरल कैविटीज को हम एयर एंट्री के लिए यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि एयर की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही जो कि नोज में हो रही थी, इसके अलावा मॉइस्टिंग नहीं हो रही, दैट वाज डन बाय द नोज, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो रही। बस फायदा क्या है कि आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इनटेक कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थ्रॉट फेरिंग्स, आपके सामने थ्रॉट या फेरिंग्स है। दिस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, this is muscular, it contains the mucous membrane, हम इसको divide कर सकते हैं three portions में, जो pharynx nasal cavity के साथ attached होता है उसके लिए term use की जाती है nasopharynx, oral cavity के साथ जो pharynx होता है उसके लिए term use की जाती है oropharynx, और larynx के साथ जो attached होता है उसके लिए term use की जाती है laryngopharynx। शायद आपको याद हो इससे पहले हमने digestive system में भी discuss किया हुआ है। सो एयर एंटर हुई थी नॉस्ट्रल से कहां पर एंटर हुई, इन द नेजल कैविटी से कहां पर आ गई, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में आने के बाद अब इसके पास दो रास्ते हैं, फेरिंग्स में दो पैसेज वेज होते हैं, एक पैसेज वेज तो है टूवर्ड्स ट्रैकिया और दूसरा वाला पैसेज वेज जो है दैट इज द एसोफेगस, जिसके लिए टर्म यूज की जाती है फूड पाइप। एसोफेगस इज द फूड पाइप, ये फूड पाइप को शो कर रहा है, और ये जो ट्रैकिया है विच इज द विंड पाइप, ये वाला। जैसे भी मैं आपके सामने खड़ी हूं तो अभी सामने की तरफ जो पाइप नजर आ रहा है आपको, दिस इज द विंड पाइप, ये ट्रेकिया, और इसकी बैक साइड पर ये वाला जो पाइप है दिस इज द फूड पाइप और एसोफेगस। अब जब एयर एंट्री की बात हो रही है तो एयर हैज टू मूव टूवर्ड्स द विंड पाइप, ये ट्रेकिया। ट्रेकिया के अपर पोर्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा हुआ होता है जिसके लिए टर्म यूज की जाती है एपिग्लॉटिस। तो जब भी स्वेलोइंग का प्रोसेस होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ड्यूरिंग स्वेलोइंग लैरिंग जो है वो मूव करता है अपवर्ड और कवर अप हो जाता है किसके थ्रू, एपिग्लॉटिस से। मोस्ट ऑफ द टाइम लैरिंग ओपन ही रहता है ताकि एयर जो है वो पास आउट होता रहे, पास इन होता रहे, लेकिन कब सिर्फ लैरिंग्स है वो क्लोज होते हैं, सिर्फ किस प्रोसेस में, स्वेलोइंग के प्रोसेस में। चलिए अब हम यहां से देख लेते हैं, फेरिंग्स या थ्रॉट मस्कुलर पैसेज है जिसमें कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसको डिवाइड किया जा सकता है नेजो ओरो और लैरिंगो फेरिंग्स में। एयर पास होती है फेरिंग्स से कहां पर, ग्लॉटिस या एसोफेगस में, लेकिन क्योंकि हमारा आज की डिस्कशन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो एयर जो है वो कहां पर जाएगी, टूवर्ड्स द ग्लॉटिस। एयर को चैनलाइज किया जाता है ग्लॉटिस में, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस जो कि लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, और स्वेलविंग का जब प्रोसेस होता है तो ग्लॉटिस को कौन कवर अप कर देता है, एपिग्लॉटिस उसे क्लोज कर देता है। ग्लॉटिस मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिमेन्स ओपन एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्वेलविंग। तो ये हमने डिस्कशन की अबाउट द थ्रॉट और फेरिंग्स। नाउ वी टॉक अबाउट वॉइस बॉक्स लैरिंग्स। Larynx, which is also called the voice box, this is cartilaginous box, cartilage ka bana hua hai. It connect the pharynx to trachea. Ye dekh sakte hain hum in dono ke darmiyan mein maujood hai, isko connect kar rahe. Iske ilawa larynx ke liye term use ki jaati hai Adam's apple. Males mein zyada prominent hota hai aur puberty mein zyada prominent ho jata hai ye wala portion. Zyada prominent hota hai males mein as compared to female. इसके अलावा हम इसके लिए term use करते हैं this is the enlarged upper part of the trachea. Larynx को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें two pairs नजर आते हैं vocal cords के. You people can see here in this diagram. ये वाला portion है epiglottis. ये जो दरमियान में cavity है ये है glottis की और ये आपको vocal cords नजर आ रहे हैं. इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है और साउंड को जब हम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज कन्वर्टेड बाय आर चीक्स आर टंग आर लिप्स आर पैलेट
और आप फील कर सकते हैं जब हम कुछ गुनगुना रहे हो, बोल रहे हो, तो आपके वोकल कॉर्ड्स जो है ये देखिए यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं लाइक दिस. आप भी करके देखिएगा वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं. तो याद रखें लेरिंग्स के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं लेरिंजियल फेरिंग्स. कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ट्रेकिया के साथ. इसके लिए टर्म यूज की जाती है एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल जो है ज्यादातर मेल्स में प्रोमिनेंट होते हैं. दिस इज द इनलार्ज पार्ट अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया और इसमें दो पेयर्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स के जिनकी के वाइब्रेशन की वजह से किसकी प्रोडक्शन होती है वॉइस की, साउंड को. दैट्स व्हाई लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स.